हाय गाइस, स्वागत है आपका पेशेंट की बच्चे की यूट्यूब चैनल्स में। और हम आज लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक, अर्थमेटिक मेन का। क्या नया टॉपिक हमारा आज का टॉपिक है स्टेप डिवीजन मेथड। तो जो मीन्स की पूरी सीरीज चलती हुई आ रही है उसका एक नया टॉपिक है ये स्टेप डिवीजन मेथड। कई बार क्या होता है आपके एग्जाम्स के अंदर एग्जामिनर क्या करता है, मीन निकालने के लिए क्वेश्चंस तो देता है लेकिन कोई वर्ड लिख देता है स्टेप डेविएशन मेथड से इसको करो, या फिर हिंदी में बोले तो बोलता है पद विचलन विधि का यूज करो। तो पद विचलन विधि और स्टेप डेविएशन मेथड क्या है मीन निकालने का, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है। डेविएशन हमने पिछला जो वीडियो देखा उसके अंदर डेविएशन था केवल, अब इसमें एक वर्ड क्या जुड़ गया, स्टेप ऐड हो गया। क्या ऐड हो गया, स्टेप ऐड हो गया। तो इसमें भी सिंपल सा एक स्टेप और ऐड हो गया, खत्म हो गया स्टेप डेविएशन मेथड। तो बस स्टार्ट करते हैं सेशन को, देखते हैं होता क्या है स्टेप डेविएशन। देखो हमें वही क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है, वर्टिकली लिख दो, लिख देते हैं। तो क्लास को मैंने लिख दिया एफ, लिख देते हैं एफ क्या होता है 7, 10, 15, 8, 10 जो लिखा हुआ था उसको हमने चीटिंग करके लिख दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमको जरूरत पड़ेगी एक तो x का जरूरत पड़ेगा, एक जरूरत पड़ता है हमको xi माइनस a का डेविएशन, जो पढ़ते थे हम लोग डेविएशन वाला पढ़ा है ना, स्टेप डेविएशन है तो डेविएशन का तो जरूरत पड़ेगी हमको, ठीक है, एक जरूरत पड़ेगी हमको। अब एक स्टेप ऐड हो जाता है, क्या ऐड हो जाता है, एक स्टेप एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है हमारे पास में, इसलिए मैं यहां तक आता हूं पहले। तो एफ का वैल्यू गिवन है, एक्स का वैल्यू, एक्स क्या होता है हमारा मिड पॉइंट, मिड वैल्यू होती है, ठीक है। एज्यूम ए क्या होता है हमारा, एज्यूम होता है, एज्यूम ए जो आप कुछ भी मान लेते हो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक्स आई का वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसका मिड पॉइंट 5, दोनों को जोड़ के 2 का भाग निकल जाएगा, दोनों को जोड़ के 2 का भाग कितना 30 का आधा, 15, 50 का हाफ, 25 इसका हाफ, 35 दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड कितना 45, यही तक कितना, कोई प्रॉब्लम नहीं। डेविएशन किस तरीके से निकालते थे हम लोग, डेविएशन निकालने के लिए हमको क्या करना है xi माइनस a, तो a किसको माने, क्वेश्चन भी है हमारा स्टेप डेविएशन, वो भी किसमें मीन के अंदर, तो एज्यूम मीन के अंदर ही स्टेप डेविएशन का एक पार्ट है। तो एज्यूम मानते हैं, a मानते हैं, किसको मानते हैं, किसी को मान लो इच्छा उसको मान लेते हैं हम लोग, किसको मान लें, ए, ए वैल्यू को हम क्या मान लेते हैं 25 ए, हमने मान लिया ए, मान लिया इसको 25 को हमने ए मान लिया। अब क्या करना है, एक्स आई माइनस ए मतलब 5 में से 25 को माइनस करो, 15 में से 25 माइनस करो, 25 में से 25 माइनस करो, 35 में से 25 को माइनस करो, 45 में से 25 को माइनस करो, इससे हमको क्या मिलता है डी का वैल्यू मिलता है। तो इसको माइनस करो कितना आएगा 20, इसको इसमें से माइनस करो 10, 0, फिर आ जाएगा हमारे पास 10 और ये 20। यहाँ तक किसी को कोई समझ में समस्या नहीं ना, क्योंकि ये हम लोग वीडियो नंबर जो टाइप्स नंबर टाइप था इसका पहले वाला जो टाइप्स का डेविएशन वाला उसके अंदर हम देख चुके हैं, जिसने नहीं देखा हो वो हमारे आई बटन पर क्लिक करके देख लेगा। तो अब क्या करना है हमको, अब बात हो रही है स्टेप डेविएशन, देखो दोस्तों इसको रखना नहीं है, समझना है। डेविएशन में क्या करना है, डी काम आता है, डेविएशन क्या काम आता है डी, जो कि हमारा फॉर्मूला था एफ आई डी आई। अब क्या लगा दिया इसने, एक स्टेप लगा दिया, एक स्टेप लगते तो डेविएशन का काम खत्म, एक नया वेरिएबल आ जाएगा। तो कोई सा पीछा होने वेरिएबल यूज कर लो, ज्यादातर जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं यू आई। अब यू आई क्या होता है, जो अपने डी आई कर रहा है उसमें देना होता है एच का डिवाइड, किसका एच का डिवाइड। अब एच क्या समस्या है, देखो एच क्या होता है हमारा, एच होता है आपका अपर लिमिट और लोअर लिमिट का अंतर, मतलब 10 - 0 = 10 या आपका एच हो गया, ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकता हूं मैं 20 - 10 = 10 हो गया। तो ये हमारा क्या कहलाता है, एच कहलाता है, ठीक है, कोई समस्या नहीं ना। अब एच का डिवाइड करना है, एच कितना 10 का डिवाइड करते जाओ, इसमें 10 का डिवाइड करो कितना आएगा 2 आएगा केवल, इसमें 10 का डिवाइड करो 1 आएगा, इसमें 10 का डिवाइड 1 आएगा, इसमें 10 का डिवाइड केवल 2 आएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं ना। अब आता है समेशन निकालने का समय, एफ आई को जो एफ आई है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, यू आई से मल्टीप्लाई करना है, बस आपका काम खत्म, फालतू कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो एफ आई और
डीआई लेते थे हम केवल डेरिवेशन में ना, डेविएशन वाले जो पार्ट था एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करते थे केवल डेविएशन मेथड के अंदर। एज्यूमिंग मेथड में क्वेश्चन में यदि आपको स्टेप डेविएशन दे दे रहे हैं तो स्टेप दे दिया तो एक स्टेप और बढ़ गया, ये वाला स्टेप डेविएशन में एक स्टेप एक्स्ट्रा आता है। ठीक है, तो आप एफ आई यू आई को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों में कितना आएगा माइनस का 14, इसको मल्टीप्लाई करो 10, इसको इससे करो 0, इसको इससे करो 8, इसको इससे करो 20, इसका एडिशन आपको सिखा दिया है पहले, नहीं सीखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वापस सीख लीजिए। प्लस वालों को अलग से ऐड करो कितना आ गया, और माइनस वालों को ऐड करो देखो कितना आ गया। तो जब आपने माइनस वालों को ऐड किया तो कितना माइनस 24 आया, और प्लस वालों को ऐड किया तो 28 आया, दोनों का माइनस करो प्लस माइनस माइनस कितना आया 4। ऐसे एफ आई की जरूरत पड़ती है हमको, तो समीशन ऑफ एफ आई चाहिए, तो इसका सम कितना होता है ऐड कर लो फटाफट, तो यह आ जाएगा हमारे पास में 7, 50, 50, 15, 30, 40, 50, कितना आ गया ये 50 आ गया, कोई समस्या नहीं। चलो अब बात करते हैं इनके फॉर्मूले की। फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, मीन एक्स बार एज्यूम मीन का ए तो आएगा ही आएगा क्योंकि आपने क्या किया एज्यूम किया ए तो आएगा आएगा, प्लस डेविएशन मेथड में समीशन ऑफ एफ आई डी आई यूज करते थे, यहाँ पे स्टेप लग गया तो स्टेप में क्या लग गया यू आई, तो एफ आई यू आई हो गया, वो नीचे जो एफ आई आता है वो आ गया। अब सारे वेरिएबल आपने काम में ले लिया, अब इसमें आ रहा है एक एच, वो बोलेगा मैंने क्या बिगाड़ा है मुझे भी तो साथ ले लो, तो इसको भी साथ ले लेते हैं, कितना आ गया है एच। तो ये बन गया फॉर्मूला स्टेप डेविएशन का या फिर पद विचलन का फॉर्मूला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है, नहीं दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं, वापस लिख देता हूं छोटा सा। देखो मीन एक्स बार इक्वल टू ए ले लिया हमने, प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई हम नहीं लेते डी आई डेविएशन में लेते हैं, एज्यूम मीन में स्टेप लग गया तो एक स्टेप बढ़ गया तो हम अपर साइड में जा रहे हैं, अपर साइड में तो यू ले लेते हैं ना वेरिएबल एफ आई इंटू इसका एच। क्लियर है, अब बात करते हैं इनका वैल्यू रखने का। तो ए कितना है हमारे पास 25, एफ आई यू आई का सम कितना 4, एफ आई कितना 50, इंटू एच कितना है हमारे पास एच है 10, कोई दिक्कत नहीं 25, 10 से 10 कटोगे कितना बचा 4.5, इसका इसमें डिवाइड करो कितना आ जाएगा 0.8। ठीक है, इसको इसको ऐड करो 25.08, ये हमारे पास क्या आ गया एक्स बार का वैल्यू आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया एक्स बार का वैल्यू आ गया, मतलब मीन आ गया हमारे पास एक्स बार इक्वल टू 25.08। अप्रोक्स लिखना ना भूले क्योंकि आप लोग के पास कैलकुलेटर नहीं होता है। ठीक है, तो गड़बड़ होने के चांस हो सकते हैं, तो पॉइंट में तो आगे मुझे चल जाता है। तो ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, ये था हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। एक स्टेप ऐड हुआ केवल यू आई निकालना किससे डी आई अपॉन एच, तो डेविएशन मेथड जो एज्यूम मीन था उसमें तो कुछ नहीं था, एफ आई डी आई को मल्टीप्लाई करो एफ आई डी आई आ जाता है, तो ये वाला वैल्यू गायब हो जाता है या डी आई रहता है, बस ये फॉर्मूला था। इसमें क्या हो गया स्टेप डेविएशन, एक स्टेप बढ़ गया क्या हुआ डी आई अपॉन एच आ गया, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आगे होगा। तो सारे मीन्स निकालने के मेथड में आपको स्टार्टिंग से समझाते जा रहा हूँ, हर वीडियो में केवल मैंने एक ही क्वेश्चन दिया है, मैं चाहता हूँ कि वो एक ही क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, इससे आप उस मेथड को बहुत अच्छे से समझ सको। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पैटर्न के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, कॉपी करना चाहो तो कॉपी कर लीजिए, वो नहीं समझ में आया वीडियो को वापस रिमाइंड कीजिए, देख लीजिए। थैंक यू।